कार के ग्रिल में क्रोम का यूज़ किया गया है और यहीं पे जो आप ये क्रोम देख रहे हो साथ में साथ आपको यहाँ पे सेंटर में मारुति की बैचिंग दिख जाएगी और साथ में ग्रे क्लॉसी ग्रे कलर का यूज़ किया गया कॉम्बिनेशन जो काफी अच्छा लग रहा है नीचे आप देखोगे तो आपको सिल्वर कलर की स्क्रिप प्लेट मिलेगी और बात करते हैं कार के हेडलाइट यूनिट तो यहाँ पे आपको डी आर एल मिल रही है इसके साथ साथ आपको टू प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप मिल रहा है लो बीम एंड हाई बीम के लिए और इस हेडलाइट यूनिट की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कहीं पे भी हाइलोजन लाइट का यूज नहीं किया गया है प्रॉपर एलईडी के साथ आपको ये हेडलाइट यूनिट मिल रही है तो गाई अब बात करते हैं कार के टायर प्रोफाइल सेक्शन की और इस कार में जो आपको टायर प्रोफाइल मिल रही है वो मिल रही है आप टू फिफ्टीन बाई सिक्सटी आर सिक्सटीन इसमें आपको सिक्सटीन इंच के टायर मिल रहे हैं और बात करें इसके अलॉय की तो इसमें आपको आप तो ब्लैक कलर का अलॉय मिलता है इसके टॉप मॉडल में आप जाओगे तो उसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलता है पर यह ब्लैक कलर का अलॉय व्हील भी इसके साथ काफी अच्छा लग रहा है इसके साथ साथ कार के साइड प्रोफाइल में आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी बात करें आ, कार में आपको ओवर वियर मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एंड एंडल दोनों है इसके साथ ही आपको कार में ए प्लर मैट ब्लैक में मिलेगा बी प्लर भी आपको मैट ब्लैक में मिलेगा और सी प्लर में इस बार ग्लास पैनल का यूज किया गया है तो जब आप इसके रियर सीट पे बैठोगे तो आपको काफी एरी फील होगा आपको पे सफोकेशन सी फील नहीं होगी कार में इस कार में आपको फंक्शनल रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएगी इसके साथ साथ आपको इस वेरिएंट में एक और स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा जो पहले कार में मिस होता था वो है सनरूफ इस कार में आप वेरिएंट में आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगा इस तो अब कार चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल में और देखते हैं एक ऐसी चीज जिसने इस कार का लुक ही चेंज कर दिया है तो इस जैसे आप देख रहे हो इसका बैक प्रोफाइल तो अगर यार मैं इसको कंपेयर करूं प्रीवियस ब्रेजा के साथ ना तो इसका बैक प्रोफाइल जो कंपनी ने डिजाइन किया वो इतना बढ़िया लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता बात करते हैं इसकी टेल लाइट की तो इसमें आपको एलईडी स्ट्रिप्स देखने को मिलेगा सेंटर में ब्रेजा की बैचिंग आ जाएगी साथ ही आपको का लोगो आप उसके ऊपर देखने को मिलेगा कार के रियर बम्पर में आपको अगेन फिर से सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा साथ ही पीछे आपको चार सेंसर दिए गए हैं एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरा की प्लेसिंग दी गई है और और सबसे ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा साथ ही में आपको शार्कपिट ना देखने को मिल जाएगा कार में डिफॉगर एंड रेयर वाइपर भी कम इस वेरिएंट में आते हैं तो यार बैक प्रोफाइल से तो ये कार ज़बरदस्त लगती है और कई लोग इसे रेंज रोवर की कॉपी भी बोलते हैं तो चलते हैं कार के बूट में और देखते हैं कि कार के बूट में हमें कितना स्पेस मिलता है तो यार अगर बूट की बात करूँ तो इस कार में हमारे को तीन लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि इसके कंपटीशन से तो थोड़ा कम ही है इस कार में आपको बूट लैम्प भी मिल जाएगा साथ में हुक प्रोवाइड किया गया है एंड uh, बात करूं इसके स्पेयर टायर की तो इसमें जो कंपनी से प्रोवाइड किया गया टायर वो आपको इसमें uh, 16 इंच का टायर आपको प्रोवाइड किया है कंपनी ने तो इसमें आपको 16 इंच का स्पेयर टायर मिलता है एंड uh, वैसे तो बूट स्पेस ऑन पेपर कम है बट uh, इसका बूट जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है तो आपको आसानी से आप इसमें लगेज उतार या निकाल सकते हो तो इसमें आपको कन्वीनियंट रहेगा आप इजिली अपना सामान निकाल सकते हो और गाड़ी में चढ़ा सकते हो तो भाई अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की एंड चलते हैं सीधे इंटीरियर में और देखते हैं इस कार में कैसे इंटीरियर प्रोवाइड किए गए हैं तो यार यहाँ पे आपको डोर पे ही सारे विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे साथ ही साथ ओवर के कंट्रोल भी डोर में दे गए हैं साथ ही यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज किया गया है और ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा साथ ही सिल्वर कलर की यहाँ पे स्ट्रिप दे रखी है यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी अब कार के इंटीरियर में ब्राउन और ब्लैक कलर का यूज किया गया है तो ड्यूल टोन का इसमें इंटीरियर दिया गया है साथ में आपको एडजस्टेबल सीट मिल देखने को मिलेगी इस वेरिएंट में एंड चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं अंदर से कार कैसी लगती है तो आप एक बार अंदर से भी कार का इंटीरियर देखो गाइस कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को मिलेगा टेल्ट एंड टेलेस्कोपिक दोनों ही फीचर्स आपको इसके स्टेयरिंग में मिल जाएंगे टू वे एडजस्टेबल स्टेयरिंग है ये इसका और साथ ही साथ आपको जो कंट्रोल्स हैं वो भी सारे यहाँ मिल जाएंगे यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे प्लस क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ ऑटो स्टार्ट स्टॉप का यहाँ एंड गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एम शो करता हूँ इसकी यहाँ पे आपको टैकोमीटर यहाँ पे स्पीडोमीटर और सेंटर में आपको एम देखने को मिल जाएगी बट एक ही है कि इस वेरिएंट में आपको पूरा कलर्ड एम देखने को मिलती है जो इससे नीचे के वेरिएंट में आपको नहीं मिलती इसमें आपको पूरी कलर्ड एम देखने को मिलेगी वैसे कंपनी इस प्राइस रेंज में फुली डिजिटल कंसोल दे सकती थी जो ज़्यादा अच्छा लगता है इस गाड़ी में ड्राइवर साइड आपको कार्ड होल्डर मिल जाएगा बट वैनिटी नहीं दी गई है वहीं पैसेंजर साइड आपको वैनिटी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको वैनिटी लैम्प भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पे आपको येलो लाइट दी गई है कंपनी की तरफ से दोनों तरफ की येलो लाइट है और यहीं पे आपको सनरूफ के कंट्रोल भी देखने को मिलेंगे एंड बेस्ट पार्ट है कि इसका सनरूफ जो है ना वो पीछे पूरा जाता है uh, आपको कंप्लीट सनरूफ मिलेगा यहाँ पे पीछे तक बीच में ऐसा अटकता नहीं है पूरा बॉडी तक जाता है एंड सनरूफ uh, का साइज सफिशेंट uh, है uh, uh, आप लोग लाइक मेरे को तो सफिशंट साइज लगा इस सनरूफ का नाउ लेट्स क्लोज दिस सन और यस एंड देखते हैं अब आगे uh, तो अगर बात करूँ यार इन्फ्रोट्रेटर सिस्टम की तो यहाँ पे आपको सेवन इंच का स्मार्ट प्ले प्रो मिलता है और इससे अपर वर्जन में आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वेरिएंट मिलता है नाइन इंच का इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिलेगा और बात करें इसके फ्लो की तो इसमें ए के वेंट का फ्लो भी काफी अच्छा है और जो काफी कूलिंग इसकी सब कार में मुझे सफिशेंट लगी काफी अच्छी कूलिंग है इस कार में बात करें यार हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है और प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी है ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स तो मिलता है बट साइज़ ज़्यादा नहीं है ग्लव बॉक्स में तो साइज का थोड़ा इशू हो सकता है उसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड 12 वॉट का पावर सॉकेट और साथ में यू के लिए मिल जाएगा ऑप्शन आपको एंड यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज है तो आप फ़ोन कैरी कर सकते हो अपना यहाँ पे आपको गियर बॉक्स की पोजिशनिंग दी गई ये कार फाइव गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है एंड ऑनस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा है इसमें एक सिक्स गियर होना चाहिए यहाँ पे हैंड ब्रेक की है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज दी गई है तो यहाँ पे अपना सामान कैरी कर सकते हो एंड uh, अब अगर मैं बात करूँ गाइज़ uh, इस कार के सीट्स की तो इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट आपको मिलता है इस कार में एंड जो क्वेश्चनिंग भी है वो काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी अगर आप देखेंगे तो बैक में भी काफ़ी सपोर्ट दिया गया है तो ओवरऑल सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी है इस कार की एंड ओवरऑल uh, अगर आप देखेंगे सामने से डैशबोर्ड uh, का लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड uh, जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है वो ब्लैक एंड ब्राउन का वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस कार में एंड गाइज अब बात करते हैं कार के चलते हैं बैक में एंड देखते हैं कि बैक में कितना स्पेस है कार में तो गाइज़ आप जैसे रेयर पे देख रहे हो यहाँ आप पे आपको एडजस्टेबल हैड्रेस मिल जाता है जो दो एडजस्टेबल हैड्रेस आपको दिए गए हैं यहाँ पे साथ ही साथ बैक में काफ़ी स्पेस मुझे लग रहा है बाहर बैठ के देखते हैं कार में एंड यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हंड्रेस दिया हुआ है पीछे वाली सीट पे तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए हैंड्रेस दे रखा है इन्होंने यहाँ पे एंड पीछे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है और पीछे से देखिए डैशबोर्ड का लुक एंड अगर पीछे हमारे को एसी वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है बात करें यार इस कार में तीन बंदे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। बट अगर मैं बात करूं यार बीच में ना उन्होंने थोड़ा सा हम्प दे रखा तो इस हम्प की वजह से बीच वाले एडल्ट को बीच में बैठने में थोड़ी परेशानी हो सकती है अब चलिए बाहर चलते हैं और बात करते हैं तो गाइज बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 1.5 लीटर का के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है फोर सिलेंडर के साथ जो 102 जीरो की पावर और 136 थर्टी सिक्स एन का टॉक प्रोवाइड करता है और अगर माइलेज की बात करूं तो कंपनी इसमें 19.5 की माइलेज क्लेम करती है एंड मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको नाइनटीन की माइलेज इजिल से मिल जाएगी तो गाइज इस वॉक वीडियो में इतना ही आ, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ